हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस हाइब्रिडाइजेशन के छोटे टॉपिक पर। तो चलिए गाइस, आज हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? तो गाइस, हाइब्रिडाइजेशन होते हैं 6 टाइप के। पहला SP हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा SP2 हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा SP3 हाइब्रिडाइजेशन, चौथा SP3D हाइब्रिडाइजेशन, छठवां SP3D हाइब्रिडाइजेशन और छठवां SP3D3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की हिंदी होती है संकरण। तो 6 तरह के संकरण है, SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2, SP3D3। और गाइस, सबसे समझदार मतलब सबसे अच्छी बात यह है कि संकरण की प्रक्रिया में केवल सिग्मा बांड ही भाग लेते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बांड होते हैं 3 प्रकार के, सिंगल बांड, डबल बांड, ट्रिपल बांड। बांड कोई भी हो, चाहे वो सिंगल हो, चाहे वो डबल हो, चाहे ट्रिपल हो, सभी में एक ही सिग्मा बांड काउंट होगा। और गाइस, इसमें हम एक एग्जाम्पल, एक चार्ट बनाए हैं जिसमें हाइब्रिडाइजेशन का ईजी टिप्स हो गया। ठीक है, अगर यदि सिग्मा बांडों की संख्या 2 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन संकरण का हुआ। अगर सिग्मा बांडों की संख्या 3 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन SP2 का होगा। अगर सिग्मा बांडों की संख्या 4 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन SP3 का हुआ। अगर सिग्मा बांडों की संख्या 5 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन SP3D का हो गया। अगर सिग्मा बांडों की संख्या 6 हुआ तो SP3D2 का हो गया, और 7 हुआ तो SP3D3 का होगा। और चलिए एग्जाम्पल है MgCl2। MgCl2 में हमें बताना है कि मैग्नीशियम पर कौन सा संकरण होगा। तो गाइस देखिए, MgCl2 का अगर स्ट्रक्चर बनाए तो Cl सिंगल बांड से जो ऐड होता है, तो यहाँ पर MgCl इधर, Cl इधर, एक दो सिंगल बांड है। दो सिंगल बांड का मतलब दो सिग्मा बांड हो गए, और सिग्मा बांडों की संख्या 2 होता है, हाइब्रिडाइजेशन SP कहा गया। और गाइस, यहाँ पर मेथेन का एग्जांपल लिया। मेथेन में कार्बन के चार मॉलिक्यूल होते हैं, हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल होते हैं। तो हाइड्रोजन 4 सिंगल बांड से अटैच होगा, और सिंगल बांडों की संख्या 4 हुआ तो सिंगल बांड भी 4 हो गया, और 4 हुआ तो SP3 का हाइब्रिडाइजेशन हुआ। तो चलिए गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।